सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2018 के 14th मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 46 रन से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस ने मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा की 94 रनों की शानदार कप्तानी पारी की बदौलत 213 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर एक विशाल स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में विराट कोहली के बेहतरीन 92 रनों के बावजूद आरसीबी 8 विकेट के नुकसान पर 167 रनों का स्कोर ही बना सकी। आरसीबी की ये 4 मैचों में तीसरी हार है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। मुंबई ने 11वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। पिछले 3 मैचों में फ्लॉप रहे रोहित शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने 50 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 94 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या ने अंत में 5 गेंदों में 17 रनों की धुआंधार पारी खेली और मुंबई इंडियंस का स्कोर 213 रन 5 विकेट पर रहा। जवाब में विराट कोहली और क्विंटन डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 40 रनों की तेज साझेदारी निभाई थी, लेकिन उसके बाद आरसीबी की पारी लड़खड़ा गई और 12वें ओवर में आरसीबी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 86 रन हो चुका था। 14वें ओवर में आरसीबी ने अपने 100 रन पूरे किए। विराट कोहली ने 62 गेंदों में 92 रनों की बढ़िया नाबाद पारी खेली, लेकिन आरसीबी की टीम 20 ओवर में सिर्फ 167 रन ही बना सकी और उन्हें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मज़ेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।